सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा एक्चुअली जो सीमेन एनालिसिस टेस्ट होता है वो कितने दिन के अंदर करना चाहिए, क्योंकि कुछ डॉक्टर आपको रॉन्ग एडवाइस देते हैं। अगर आप रिलेशनशिप करने का कुछ दिन बाद अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपका रिपोर्ट एकदम 100% करेक्ट आएगा। सारा कुछ जानकारी और ये जो रिलेशनशिप और सीमेन एनालिसिस टेस्ट होता है इसका सच्चाई आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए आज के इस वीडियो को आप सभी को लास्ट तक देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बेल आइकॉन को ऑल प्रेस कर देना और इस वीडियो को साथों साथ लाइक भी कर देना। सो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नेम है अंजन महांती और आप सभी देख रहे हैं मेडिकल सॉल्वर यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते आज के इस टॉपिक को। तो देखिए दोस्तों, जब आपका कोई भी प्रेगनेंसी का इशू होता है, हस्बैंड एंड वाइफ का काफ़ी दिन से प्रॉब्लम हो रहा है, तो जब आप डॉक्टर के पास किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक कॉमन सा टेस्ट, हस्बैंड के लिए एक कॉमन सा टेस्ट देता है और उस टेस्ट का नेम है सीमेन एनालिसिस टेस्ट। दोस्तों, जब डॉक्टर आपको एडवाइस करता है तो डॉक्टर आपको खुल के सब कुछ डिटेल्स में नहीं बताता है। जब आप जैसे कि नज़दीकी किसी भी आपका लोकली जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर आपको डिटेल्स में सब कुछ नहीं बताता है। आपको सिर्फ बता देता है कि 3 से 5 दिन का गैप होना चाहिए, उसके बाद या आप लोगों का रिपोर्ट कर लेना चाहिए। तो जब आप कुछ इस टाइप का रिपोर्ट करते हैं और मान के चलिए कि आपका रिलेशनशिप लास्ट हुआ था 10 से 15 दिन पहले, आपने उसके बाद रिलेशनशिप नहीं किया और आपने समझा तो 3 से 5 दिन का गैप होना चाहिए, तो अभी हम लोगों को रिपोर्ट कर लेना चाहिए। जब आप रिपोर्ट को करते हैं तो आपका रिपोर्ट एकदम गलत आएगा, क्योंकि वहाँ पर आपका जो क्वांटिटी आता है सीमेन का वो बढ़ सकता है। उसके बाद आपका जो टोटल काउंट होता है, टोटल काउंट भी बढ़ सकता है। उसके बाद आपका मोटिलिटी जो होता है, मोटिलिटी एबनॉर्मल आ सकता है, मॉर्फोलॉजी भी एबनॉर्मल आ सकता है, इसलिए आपका रिपोर्ट बिल्कुल गलत आ जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप लोकली दिखाते हैं तो कुछ इस टाइप का डॉक्टर आपको एडवाइस देता है। अब आपको मैं सच्चाई बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप बाहर में किसी भी जगह में डॉक्टर को दिखाते हैं, जैसे कि भेलोर में CMC हॉस्पिटल हो गया, चेन्नई में अपोलो हॉस्पिटल, भेलोर में नारायणी हॉस्पिटल और भी बहुत सारा, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता का बहुत सारा जो बड़ा बड़ा जो हॉस्पिटल होता है, जो डॉक्टर होता है, वहाँ पर जब आप दिखाते हैं तो डॉक्टर आपको वहाँ पर सच्चाई बता देता है। डॉक्टर आपको वहाँ पर ये रिकमेंड करता है कि आपका जो रिलेशनशिप होगा, लास्ट रिलेशनशिप होगा, उस लास्ट रिलेशनशिप का 3 से 5 दिन बाद, जब आपका रिलेशनशिप होगा उसके बाद 3 से 5 दिन बाद आप लोगों को तुरंत सीमेन एनालिसिस टेस्ट कर लेना चाहिए। तो बाहर में जब आप कराते हैं डॉक्टर आपको कुछ इस टाइप का एडवाइस देता है और ये जो एडवाइस देता है बिल्कुल 100% करेक्ट है, क्योंकि जब आप रिलेशनशिप करेंगे, रिलेशनशिप करने के बाद 3 से 5 दिन बाद जब आप टेस्ट करेंगे तो आपका जो क्वांटिटी होता है सीमेन का वो भी नॉर्मल आएगा, आपका मोटिलिटी काउंट, आपका सीमेन का जो मोटिलिटी है वो भी नॉर्मल आएगा और आपका जो मॉर्फोलॉजी है वो भी नॉर्मल आएगा, टोटल काउंट भी नॉर्मल आएगा। जब देखिए दोस्तों, अगर आप बहुत दिन रिलेशनशिप नहीं करते हैं तो कुछ स्पर्म वहाँ पर डेथ हो जाता है आपका टेस्टिस में, उसके बाद कुछ स्पर्म वहाँ पर एबनॉर्मल भी हो जाता है, इसलिए आपका रिपोर्ट भी गलत आ सकता है। इसलिए रिलेशनशिप करने के बाद 3 से 5 दिन बाद अगर आप सीमेन एनालिसिस टेस्ट करेंगे तो आपका रिपोर्ट बिल्कुल 100% करेक्ट आएगा, समझ गए। सो दोस्तों, मेरा साथ भी कुछ इस टाइप का हुआ था। जब मैं भेलोर में गया था, लास्ट में भेलोर में गया था, मेरा वाइफ को लेकर डॉक्टर के पास गया था, तो वहाँ पर डॉक्टर अब मुझे कुछ स्टेप का समझाता, तो मैं जब डॉक्टर को पूछा था, डॉक्टर कुछ स्टेप का बताया था कि रिलेशनशिप, अगर आपका रिलेशनशिप ज़्यादा दिन हो गया है, नहीं हुआ है, तो आपका रिपोर्ट गलत आ सकता है, इसलिए रिलेशनशिप करने के बाद 3 से 5 दिन बाद अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपका रिपोर्ट एकदम करेक्ट आएगा, समझ गए। सो दोस्तों, यहाँ पर उम्मीद है कि मैं आप लोगों को जो समझाने का कोशिश की है वो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों, फिर भी अगर इस वीडियो को लेकर कहीं भी जगह में कोई भी थोड़ा सा कॉन्फ्यूजन होता है तो आप इसी वीडियो का कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ सवाल पूछ सकते हैं। और वैसे भी दोस्तों, अगर आप मेरे साथ चैट के द्वारा बात करना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमारा इंस्टाग्राम ID पे आ सकते हैं। इंस्टाग्राम ID का डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।